वो मेरे पास आए, ज्यादा नहीं, सिर्फ मैंने बोला 2 दिन के लिए उसको भेज दो, 2 दिन, पर वो नहीं भेज सकते मेरे पास। हम जैसा कि आज के ब्लॉग में हमने देखा, सपना चौधरी जो कि अंशु से मिलने के लिए उनके घर गई है, अंशु सपना को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई और बहुत ही ज्यादा रोने लगी। सपना और अंशु को देखकर हम भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। भाभी और ननंद की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे, सपना को भी अंशु के लिए काफी रोता हुआ देखा जा सकता है। भाभी और ननंद की जोड़ी काफी प्यारी और खूबसूरत है, वो अंशु से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही है और सपना चाहती थी कि अंशु को अपने घर अपने साथ लेकर आए, लेकिन अंशु की फैमिली ने अंशु को सपना के साथ नहीं भेजा। इस दौरान सपना अकेली अपने घर वापस आ गई है। हमारा तो यही मानना है कि अंशु को 1-2 दिन के लिए सपना के साथ जरूर आना चाहिए था। सपना अंशु को बहुत प्यार करती है और बहुत अच्छे से रखती है। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई अपडेट के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड मुस्कान को भी सब्सक्राइब करें।